ओके, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग अब न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एटम तो हो चुका है, एटम में ही यानी एटम चैप्टर में ही आपने देखा कि रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ऑन गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करके ही उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया था। समझ गए आप? वैसे आप तो जानते ही हैं कि न्यूक्लियस मतलब एटम का सेंटर, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स स्थित होते हैं, ठीक है, यू ऑल नो दिस। बट हम लोग बहुत ही खास चीज पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। हम आपके मन में एक सवाल आज पहले ही डाल देते हैं चैप्टर को शुरू करने से पहले ही। देखिए, एक सिंपल सा सवाल, आप लोग सब जानते हैं कि दो सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, पता है आपको? दो सिमिलर चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, और ये जो रिपल्सिव फोर्स है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर डिस्टेंस को आप आधा कीजिएगा तो फोर्स चार गुना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को आप आठ गुना कम कीजिएगा तो फोर्स 64 गुना बढ़ जाएगा। यानी क्लोजर द चार्जेस मोर इज द रिपल्सिव फोर्स, ग्रेटर इज द रिपल्सिव फोर्स। जितने नजदीक दो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, आप ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स को छोड़ो, वो तो न्यूट्रल है, उसके पास तो चार्ज, नेट चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल है। हाँ, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन को छोड़िए, वो तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन्स के बीच में तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, तो और बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये दोनों बहुत करीब हैं, है कि नहीं? तो इतना करीब होने के बाद, इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद ये लोग करीब है कैसे? नहीं समझे? आप कोई भी एक न्यूक्लियस ले लो, कोई भी एक न्यूक्लियस ले लो, उस न्यूक्लियस में मान लो दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसका छोड़ो, लेकिन प्रोटॉन्स ये तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक चार्ज पार्टिकल और दूसरा चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो फिर ये लोग इतने करीब है कैसे? समझ में आया? क्वेश्चन समझा? चमका बात कैसे? तो इसी चीज को हम समझेंगे, फिलहाल थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। चलिए देखिए, तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट नंबर वन यहां पर लिखा है मैंने कि न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, ठीक है, 1909 में न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया था। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है ना, मेनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। सर आपने मेनली क्यों लिखा? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ कुछ है, लेकिन हमें वो सब पढ़ना नहीं है, इसलिए मेनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, न्यूक्लियस का डेंसिटी देखिए कितना है, दिमाग आपका चक्कर मार देगा, कितना है? 2.3 × 10⁻¹⁷ केजी पर मीटर क्यूब। यानी आमतौर पर जैसे मान लीजिए पानी का डेंसिटी, किसी का भी डेंसिटी कितना होता है? 10⁻³ होता है केजी पर मीटर क्यूब में। कोई भी मेटल ले लो तो × 10⁻³ होता है मैक्सिमम, है कि नहीं? लेकिन देखो इसका 10⁻¹⁷ है। ऐसा क्यों है मालूम? चौंकने का नहीं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि रदरफोर्ड ने ही एटम चैप्टर में बताया था कि एटम जो है मोस्टली क्या है, एम्प्टी है। अगर ये एटम है तो न्यूक्लियस यहां पर है, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम, समझ में आया? ठीक है, रहा बात मास का, तो सारा का सारा मास न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत हल्का है, इलेक्ट्रॉन का मास 10^-31 के रेंज में है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास 10^-27 के रेंज में है। इसका मतलब ये इससे 10,000 गुना हल्का है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मास इज लोकेटेड एट द सेंटर, इसलिए डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट। मतलब आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लो, या नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लो, या ज़ेनॉन का न्यूक्लियस लो, या कोई भी बड़ा सा अनबायूयम जो है ना, वो सब का न्यूक्लियस ले लो, सब का डेंसिटी इसी रेंज में आएगा, यानी इतना ही आएगा। तो वही लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि एक तो न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत हाई है, ऊपर से वो इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट कंसिडर्ड है, कोई भी एलिमेंट हो, किसी का भी न्यूक्लियस हो, इतना ही डेंसिटी होगा। उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है, मैंने ऐसे ही लिखा है यार कि न्यूक्लियस तो छोटा सा चीज है, उसका मास तो भला केजी टन में तो होगा नहीं, 2 kg, 3 kg तो होगा नहीं, है कि नहीं, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस का मास को मेजर करने के लिए एक स्पेशल यूनिट यूज होता है और उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, समझे, या फिर यूनिफाइड मास, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और U मतलब यूनिफाइड मास, ऐसी नाम है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इन्होंने रेफरेंस लिया C12 एटम का, तो एक C12 एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम कार्बन 12 वाला एलिमेंट लेंगे तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इनका मास टोटल जितना भी होगा अपॉन 12, तो वही उसका डेफिनेशन है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिफाइड मास इज मास ऑफ 1 कार्बन एटम C12 अपॉन 12, तो कितना निकला, 1U = ये कन्वर्शन आप जरूर याद रखिएगा, 1U = 1.6605 × 10^-27 kg। उसके बाद मैंने इसके बारे में बात कर ही लिया है कि रेडियस ऑफ एटम जो है बेटा वो न्यूक्लियस के रेडियस से 10,000 गुना बड़ा है, यानी एटम अगर इतना बड़ा है, अगर एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस 10,000 टाइम्स छोटा है, समझ में आ रहा है आप, ठीक है। इसका मतलब ये निकल रहा है बेटा कि अगर सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है पहला इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होता है हाइड्रोजन के लिए, उसके हिसाब से अगर सोलर सिस्टम को कंपेयर कीजिएगा तो जो अर्थ प्लैनेट है ना, अर्थ प्लैनेट, वो तो शायद प्लूटो के भी पार आएगा इतना दूर। इन सन को आप न्यूक्लियस मान लीजिए और अर्थ को एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो अभी जितना है दूर उससे कहीं ज्यादा दूर होगा अगर सोलर सिस्टम का भी यही साइज होता, तो रेडियस ऑफ एटम इज 10^4 टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए ये सेक्शन तो कल थ्योरेटिकल है, बोरिंग मार रहा होगा थोड़ा बहुत। अब ये देखिए थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है, कैसा, आपको समझ गए कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो जो होगा इन्हीं का कहानी होगा, इलेक्ट्रॉन का कहानी यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। न्यूक्लियस का मतलब ही हो गया स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। एटम में हमने, एटम चैप्टर में हमने स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए थे, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का नाम भी नहीं लेने का, इस चैप्टर में न्यूक्लियस का नाम भी, सॉरी इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी नहीं लेने का, मैं लूंगा एक बार नाम, बट मैं आपको समझाऊंगा, आप सुन के चौंक जाएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैसे डिनोट करते हैं, जेड, जैसे ये सोडियम, सोडियम के पास कहते हैं कि 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो सोडियम का जेड कितना हुआ, 12। नेक्स्ट है एटॉमिक मास नंबर, या सिर्फ मास नंबर, यानी डिनोट करते हैं ए से,
ये कुछ नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर में नंबर याद रखिएगा, कोई यूनिट नहीं इसका, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी पूरा मसाला मिलाकर कितना हो रहा है, तो उसको डिनोट करते हैं ए से। तो बताओ सोडियम के लिए फिर ए कितना होगा, 11 प्लस 12 23, समझ गए। तो इस इक्वेशन को देखकर कोई भी बोल सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज जेड, तो ए माइनस जेड का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, समझ में। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है सर। कुछ नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, समझे। न्यूक्लियस के अंदर जो भी है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। फिर देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है, जहां पर मैंने लिखा है कि प्रोटॉन का मास इतना होता है 1.672 और इसका होता है 1.674 मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का ही 10 टू द पावर सेम है -27, दोनों का यूनिट भी सेम है। इसको देखकर कोई भी बंदा बोल सकता है कि माना कि अभी तक तो यही पढ़ रहे थे कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग सेम है, दिख रहा है सर लगभग सेम है, लेकिन देखा जाए तो न्यूट्रॉन भारी है, न्यूट्रॉन भारी है। फिर किसी एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, कुछ नहीं, एलिमेंट अगर मान लीजिए एक्स है तो ऊपर लिखिएगा मास नंबर, नीचे लिखिएगा एटॉमिक नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे कार्बन, कार्बन के पास कार्बन का ए कितना है, कार्बन का ए है 12 और जेड कितना है 6, तो ऐसा लिखिएगा, या कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं। सोडियम, सोडियम मान लीजिए ऐसा लिखिएगा, टोटल मास कितना है 23 और 11, नीचे लिखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, समझ में आ गया। तो इस तरह से डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। उसके बाद चार्ज के बारे देखिए, देखिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, लेकिन चार्ज सेम होता है, यानी सेम एज इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। तो कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹। अब रहा सवाल न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूक्लियस में क्या है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, और एक प्रोटॉन का चार्ज मान लीजिए e, तो टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, ze, और मान लीजिए a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहां सिखाया ना a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो 0, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज है न्यूक्लियस का प्रोटॉन का ही है। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, समझ गए। अब एटम के बारे अगर बात किया जाए, तो किसी एटम में आपको पता है न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, अगर एटम एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो, समझ में आ रहा है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स यहां है उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जितना है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उतना है, प्रोटॉन जितने हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही है, तो टोटल चार्ज कितना होगा एटम का, न्यूट्रल यानी नो चार्ज, एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, लेकिन कभी भी Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत लिखिएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, जैसे मान लो सोडियम ले लो, मान लो इसने अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया, किसी को दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन न्यूक्लियस में अभी भी कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, Na+, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, इसलिए कुल मिलाकर क्या लिखते हैं, Na+, इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस। अब बताओ अगर आप बोलोगे कि मास एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 10 है, तो आप क्या जेड इज इक्वल टू 10 बोलोगे? नहीं, समझे? तो ऑलवेज जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ में आया? ओके उसके बाद ये छोटा सा एक यूनिट है साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का अगर इतना रेडियस है तो आयरन का न्यूक्लियस का रेडियस बताओ। तो इट्स वेरी सिंपल, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज क्यूब रूट प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज क्यूब रूट प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। कैसे? देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह मैं क्या लिखूंगा? किसका मास? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस का ना यार। तो न्यूक्लियस का मास क्या लिखिएगा? न्यूक्लियस का मास क्या लिखिएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो लगभग सेम है, तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा? मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, आप कोई भी कर सकते हो। मास नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कर सकते थे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो लगभग सेम ही है। समझ गए? और नीचे वॉल्यूम, तो न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानते हुए वॉल्यूम लिख दिया मैंने 4/3 πr³। ये समझे ना? न्यूक्लियस का मास a इंटू mp कैसे होगा? देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मान लो कितने हैं? 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो मास कितना होगा? अरे यार, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास सेम ही है, तो टोटल कितने पार्टिकल्स हुए? 23 इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। तो 23 क्या है? मास नंबर है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। मास नंबर इज डिनोटेड बाई ए, तो ए इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन या ए इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वेयर आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हो गया। तो यहां से मैंने क्या किया, आर क्यूब को लेफ्ट साइड ले आया और डेंसिटी को राइट साइड ले गया। ये देखिए ऐसा, आर क्यूब को लेफ्ट साइड ले आया और डेंसिटी को राइट साइड ले गया। अब देखिए, ये 3, ये a, ये 4, a नहीं, सॉरी, ये 3 ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये 4 ये पाई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है। बताया ना आपको, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ये सारे कॉन्स्टेंट को सॉल्व करके मैंने क्या लिखा, आर क्यूब इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए। क्या लिखा? आर क्यूब इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए। तो दोनों साइड अगर क्यूब रूट कर दिया, आर नॉट नहीं, कोई एक कॉन्स्टेंट आया होगा सबको सॉल्व करके, सी मान लीजिए, तो अगर दोनों साइड क्यूब रूट कर दिया तो ये आया आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। और ये आर नॉट क्या है? 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻¹⁵ मीटर के रेंज में है, यानी फेमटोमीटर। कौन सा मीटर? फेमटोमीटर। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज क्यूब रूट प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। समझ में आया? या इसे देखकर आप बोल सकते हैं कि रेडियस का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और रेडियस का क्यूब किसके फॉर्मूले में है? वॉल्यूम के फॉर्मूले में है। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो इन दोनों से क्वेश्चन आता है बेटा, नीट में और जेडब्ल्यू में, दोनों में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब लास्ट स्पेशल एग्जाम, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा मेंशन है बट मजा आ जाता है। देखिए वहां क्या लिखा है, रुक जाइए, पहले सुनिए मेरा बात। देखिए, ऐसा माना जाता है कि एटम के अंदर में क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना, एब्रीविएटेड बाय PEN, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, समझे? तो प्रोटॉन जो है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1888, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड इन 1897 और न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड इन 1932। मैंने साल सही लिखा क्या?
प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो है, हाँ सही लिखा है। अब प्रोटॉन जो है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, जे थॉमसन। एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक जेम्स। तो बहुत पुरानी बात है यार, 1932 अपना देश भी आजाद नहीं हुआ था उस समय, समझे, 1888, बाप रे बाप। तो इतना एटम के अंदर में ये सब है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब इसको याद कैसे किया जाए, बचपन में पढ़ा था मैंने, ईट पग नाचे, ईट पग नाचे। देखिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, पी मतलब प्रोटॉन और जी मतलब गोल्डस्टीन, एन मतलब नौ मतलब न्यूट्रॉन और चे मतलब चैडविक। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, ईट पग नाचे कौन किसका डिस्कवरी है, ये सब फालतू बात है। और ये आपका डिस्कवरी का ईयर है, बड़ा मजा आता था बचपन में, अब मजा नहीं आता मेरे को। तो ये चीज माना जाता है कि एटम के अंदर है, उसमें आप जानते हैं कि प्रोटॉन इज चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। याद रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें चार्ज नहीं है, कोई नहीं, आप में और मुझ में भी चार्ज है, लेकिन हम न्यूट्रल है, क्योंकि हमारे अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? तो एक चीज देखिएगा गौर से, बहुत सालों बाद, यानी लगभग रिसेंटली 1968 के आसपास पता किया गया कि चार्ज जो होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स, QuarkS, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा। चार्ज जो है, हम लोग क्या सोचते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, बस हम लोग क्या सोचते हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोटॉन भी किसी चीज से बना है, इलेक्ट्रॉन्स भी किसी चीज से बना है, न्यूट्रॉन भी किसी चीज से बना है। तो याद रखिएगा, क्वार्क जो है, क्वार्क से बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे, मैं बता रहा हूं, क्वार्क जो है दो तरह का होता है, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। वैसे तो छह तरह का होता है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, फिर चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, ऐसे बहुत तरह का होता है, बट हमें ये दो से मतलब है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इसको डिनोट करते हैं यू से, इसको डिनोट करते हैं डी से। अब ये इसका मास जो है, मास छोड़िए, मास का मुका मास नहीं बताना मुझे, इसका चार्ज जो है ना, वो 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पूरा धजिया उड़ जाएगा, आपने जो पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, पढ़ा था ना आपने कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल नंबर, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंटीजर। तो वो बेटा एटम का, एटम मतलब जब पता चल जाता है कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 10 जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी इलेक्ट्रॉन आधे नहीं हो सकते, आधा इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल सकता। ये स्टेटमेंट के लिए था वो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लेकिन यहां पर हम अगर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस के देखेंगे, प्रोटॉन के अंदर घुस के देखेंगे, न्यूट्रॉन के अंदर घुस के देखेंगे, तो चार्ज बेटा फ्रैक्शनल नंबर में होता है, 2/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, इसलिए इसका नाम अप क्वार्क है, और 1/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में, इसका नाम डाउन क्वार्क है।
तो ये चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क है, ये चार्ज ऑफ अप क्वार्क है। अब सोचिए कोई मैटर है, मान लीजिए मेरे पास कोई मैटर है, मान लीजिए छोटा सा मैटर है जिसका मास है 1.672 × 10⁻²⁷ kg। कैसे? इसके अंदर में ना दो अप क्वार्क है, दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। तो टोटल चार्ज कितना होगा? देखो तो अप क्वार्क, एक अप क्वार्क मतलब 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो अप क्वार्क मतलब 4/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, और एक डाउन क्वार्क मतलब 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में। सॉल्व करोगे तो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा पॉजिटिव में, तो इस चीज का नाम दिया गया प्रोटॉन। समझ में आया? और न्यूट्रॉन का अगर देखा जाए तो उसमें दो डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है। समझ में आया? मास थोड़ा ज्यादा है इससे, 1.674 × 10⁻²⁷ kg। अब दो डाउन क्वार्क कितना होगा? −2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक अप क्वार्क कितना होगा? +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ले बेटा, कट गया, कितना हुआ? 0। इसलिए न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। समझ में आया? सर इलेक्ट्रॉन्स के बारे कुछ नहीं बताए, इसके बारे बताने लायक कुछ भी नहीं है बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इतना जान लो कि चार्ज बनता है क्वार्क से, क्वार्क होता है दो तरह का, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का इस तरह का अगर कलेक्शन है तो प्रोटॉन बनेगा, और इस तरह का कलेक्शन है तो न्यूट्रॉन बनेगा। सर आपने इलेक्ट्रॉन के बारे कुछ नहीं बताया, बराबर, लेप्टॉन से बनता है इलेक्ट्रॉन्स। ये सब थोड़ा हाईफाई नॉलेज है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से बनता है, समझे? और ये सब आप देखिए, आप अगर इंटरनेट में ढूंढिएगा तो आपको दुनिया भर के नाम मिलेंगे, मुओन, हैड्रॉन, मेजोन, लास्ट में ओ एन लगा के पता नहीं ये लोग खुद को क्या समझता है। बस इतना याद रखिए जितना मैंने बोला आपको, समझे? क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा बात किया गया था, तो इसी को मैंने यहां लिख दिया है जितना आपके काम का है, कि चार्ज इज फंडामेंटली मेड अप ऑफ क्वार्क्स। सिंस हम इस चैप्टर में न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करते, इसलिए मैंने यहां पर लेप्टॉन का जिक्र नहीं किया। तो क्वार्क दो तरह का है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, उनका चार्ज यहां लिखा हुआ है, दो अप एक डाउन प्रोटॉन बनाएगा, एक अप दो डाउन न्यूट्रॉन बनाएगा, दैट्स ऑल। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इतना आपको जान के रखना है, अच्छे से समझिए इस चीज को, बहुत ज्यादा टफ नहीं है।